सोमवार को सुभाष चौक पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया। यह आयोजन नगर परिषद के द्वारा किया गया। इस आयोजन में नगर पालिका अध्यक्ष शशि यादव, समाज सेवी कांति शाह, पूर्व विधायक निशंक जैन, वरिष्ठ पत्रकार कैलाश सक्सेना, सोदान सिंह यादव, गोविंद नाइक, कांग्रेस पार्षद, व्यापारी, स्थानीय नागरिक शामिल रहे। यहां बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में बताया कि शहर के अभी और चौक चौराहों पर प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसमे ईदगाह रोड पर अब्दुल कलाम, कर्मा देवी चौक पर माँ कर्मा देवी जी की प्रतिमा, त्योदा रोड पर है हेमू जी की प्रतिमा स्थापित होगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस आयोजन का बहिष्कार उस समय कर दिया जब भाजपा नेता ने अपने भाषण में नेहरू जी और गांधी जी के बारे में बात की। इतना सुनकर पूर्व विधायक निशंक जैन, कांग्रेस मंडल अध्यक्ष प्रकाश शर्मा, विकास शर्मा पार्षद और नेता प्रतिपक्ष जगदीश व्यास, सोदान सिंह यादव कांग्रेस पार्षद सहित कार्यकर्ता उद्बोधन के दौरान आपत्ति जताई और कार्यक्रम छोड़कर चले गए। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। ये जा रहे थे और हमें इस मूर्ति का अनावरण 23 तारीख को करना था, किंतु किसी कारणवश नहीं आ पाई प्रतिमा, तो उसका अनावरण उनके जन्म दिवस के पर नहीं कर पाए हम। तो हमने सोचा कि आज 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी है और दोनों कार्यक्रम हम सब मिलकर एक साथ मनाते हैं, तो आज हम कर पाए इसका खुशी है। इस बात की मंच से कांग्रेस पार्टी सहयोग करने की बात कर रही थी और एक नंबर उठकर चली गई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, सहयोग कर रही है और करती रहेगी ना। यहाँ कांग्रेस पार्टी का चुपकी कुछ शब्द हो जाते हैं जो उनको व्यथित कर देते हैं, तो हमें ज्यादा हमने इस बात को वो नहीं लिया। ठीक है, उनको जाना भी था। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हम सब गंजवासुदा में तो कम से कम समन्वय बनाकर हर कार्य में हम एक साथ मिलकर कर रहे हैं और कोई हमें ना उनसे कोई ऑब्जेक्शन है ना उन्हें हमसे, क्योंकि उन्होंने ये उनका बड़प्पन था कि उन्होंने हमारी तारीफ ऐसे कर दी कि जल्दी लगवा दी, तो भैया हमको लगवाना भी था और ये हमारा दायित्व बनता है, तो हमने अपना कार्य किया और ये उनका बड़ा दिल है कि उन्होंने हमें धन्यवाद दिया और हम भी उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रत्येक कार्य में वो हमारा सहयोग करते रहे। आगे भी अब चौक चौराहों पर भी प्रतिमा स्थापित होंगी? हाँ जी, प्रतिमाएं 2-3 प्रतिमाओं का हमारे पास जो आया है, अपील की उन्होंने, तो हम शीघ्र अल्पसंख्यक मोर्चा से भी हमें ये कहा गया था, तो हमने अब्दुल कलाम जी की प्रतिमा ईदगाह रोड पर हमें लगाना है और चूंकि वहाँ का जो रोड है, हम सोच रहे हैं रोड अच्छा हो जाएगा और प्रतिमा स्थापित हो जाएगी। कर्मा देवी चौराहे पर वहाँ भी हम प्रतिमा लगाएंगे और 2-3 और जो हमारे त्योदा रोड है उस पर भी हेमू जी की जो नाम पर रोड का नामांकन करना वह भी हमने स्वीकार किया है और जल्दी ही करेंगे। आज नगर पालिका परिषद ने सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम रखा था। निश्चित तौर पर सुभाष चंद्र बोस साहब एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और कार्यक्रम नगर पालिका परिषद का था। वो परिषद सभी पार्षदों के से मिलके बनी है और उसमें कांग्रेस के पार्षद भी थे, मैं स्वयं था, और भाजपा के लोग भी उसमें थे। मगर जब भाजपा के नेता भाषण देने खड़े हुए तो उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के मामले में और तो और जिसने बोला वो तो नाथूराम गोडसे का समर्थक है, जो गांधी जी पे आरोप लगा सकते हैं। इससे समझ में आता कि भाजपा का असली चरित्र क्या है। और जब वो बात उन्होंने कही गांधी जी के विरोध में, जवाहरलाल नेहरू जी के विरोध में, तो मेरे साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष द्वय और साथ में कांग्रेस के पूरे पार्षद उठ के कार्यक्रम का बहिष्कार किया और हमने कहा कि गांधी जी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, और कांग्रेस नेताओं के समर्थन में नारेबाजी करते हुए हम लोगों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। आपके चैनल के माध्यम से नगरपालिका से कहना है
कि पहली बात तो जब कार्यक्रम नगरपालिका का था या नगरपालिका का है तो भाजपा के मंडल अध्यक्ष से आपको संचालन नहीं कराना चाहिए, और वक्ताओं से पहले बोला जाना चाहिए कि मंचीय परंपरा का और मर्यादा का ध्यान रखें। उन्हें जो भी आरोप लगाना है वह उनकी जब पार्टी की मीटिंग हो उसमें लगाएं, नहीं तो यदि आगे किसी कार्यक्रम में ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर उसी भाषा में हम भी अपने उद्बोधन में वह बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।